लोग फंक्शन में गए हुए थे और हम लोग के घर में आग लग गई। हम लोग जब मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया, वो लोग आग बुझा रहे थे घर के ताला तोड़ के। हम लोग आए, हम लोग ने देखा तो घर का सब कुछ जल चुका था, नाज वगैरह, पैसा वगैरह। बहन की हमारी 27 तारीख को शादी हुई थी, जो घर में 70,000 रुपये कैश था, 1.5 लाख का करीब जेवर था और अनाज रखा था, वो सब जल गया। घर में कुछ भी नहीं बचा है, लेंटर वगैरह वो भी टूट रहा है। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह आए थे? जी, नेपाल आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, सारे लोगों ने, सब ने फोटो वगैरह खींची, वीडियो बनाई, सारे लोग खींच के ले गए हैं। क्या क्या घर में सारा सामान था? लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? समथिंग में 5 लाख रुपए का। जी, कैसे आग लगी ये जानकारी? ये नहीं पता। हम लोग चले गए थे फंक्शन में, तो ताला पड़ा हुआ था घर पर, सारे लोग चले गए थे। कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से किस तरीके से, ये नहीं मालूम, नहीं जानकारी। जी, नहीं जानकारी। कस्बा करल के मोहल्ला मनिहारन में पूर्व सभासद के यहाँ पे आग लगने की घटना की कल बात संज्ञान में आई थी। कल शाम को हमें पता चला कि उनके यहाँ आने की है और वो पिछले 2 दिनों से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ समारोह में गए हुए थे, तो बीच में किस कारण से आग लगी इसका भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हमें तत्काल वहाँ पर सूचना मिलते ही लेखपाल को भेजी, लेखपाल वहाँ मौके पर गए और लेखपाल ने उसकी रिपोर्ट हमको प्रस्तुत कर दी है और रिपोर्ट के बाद जो निमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी और परिवार को जो भी हर संभव मदद हो सकती है वो सब कराई जाएगी।